अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। ये तो सभी को पता है कितने फेमस होते हैं नारियल के लड्डू, सभी को ही पसंद होते हैं। ये मैंने 500 ग्राम नारियल बुरादा लिया है और ये मैंने 250 ग्राम शक्कर ली है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने खोया लिक्विड सा बनाया है, होममेड खोया है ये। ये मैंने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और ये देसी घी। अब हम इसको बनाएंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में। ये मैंने 2 चम्मच घी के डालने के बाद मैंने इसमें नारियल बुरादा डाल दिया है। हम इसको हल्का सा लाइट लाइट गोल्डन इसको भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस थोड़ा हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक इसको भूनना है। मैंने इसको भून लिया है, इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको। देखो हल्का हल्का सा लाइट लाइट ब्राउन सा हो गया है। डालेंगे दूध थोड़ा थोड़ा सा करके, ऐसे मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम शक्कर, बहुत अच्छे से केयरफुली इसको भूनना है। हमारा नारियल बुरादा नीचे ना लगने चाहिए। इसमें डालेंगे हम खोया, ये मैंने लिक्विड सा खोया बनाया ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करना है ताकि अच्छे से पूरे नारियल बुरादे में ये हमारा खोया मिक्स हो जाए। देखो कैसे अच्छे से मिक्स हो गया है ये। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर, ये जो मैंने आपको दिखाया था 100 ग्राम के करीब। अच्छे से मिक्स हो गया है माशाल्लाह से। अगर आपका नारियल बुरादा नीचे लगने को हो रहा है तो आप थोड़े टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए आप अपने गैस को ऑफ कर सकते हैं। चूल्हा ऑफ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा घी डालेंगे और, ताकि इसमें चमक आ जाए, ये अच्छे से शाइनी हो जाएगा हमारा मिश्रण जो है, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसमें हम कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, नारियल का लड्डू वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे इसको ऐसे। इसको राउंड शेप ऐसे देनी है, ऐसे करके इसको हम नारियल बुरादे में ऐसे लपेटेंगे। सभी लड्डू को ऐसे ही बनाएंगे। लीजिए माशाल्लाह से हमारे सभी नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और आप भी जरूर ट्राई करें। और माशाल्लाह से इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।